दोस्तों, आपने अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्में तो देखी ही होंगी। उसमें एक दुबला पतला आदमी होता था जो कि हर फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर बनता था। काफी दिनों तक मैं उसे इंस्पेक्टर ही समझता था। बाद में पता चला कि उस एक्टर का नाम है इफ्तिखार। इफ्तिखार जो कि विजय को डॉन बनाता है और उसे फंसा कर मर जाता है। अक्सर अपनी जीप से इफ्तिखार कारों का पीछा करता था और पीछे से अपनी 6 राउंड वाली रिवॉल्वर से अगले का टायर पंक्चर करने की कोशिश करता था। ये तीखी आवाज आपने सुनी होगी, लेकिन यहाँ बात ना तो इफ्तिखार की है, ना ही जीप की, और ना उसके आगे भागती हुई कार की। बात है उसके हाथ में 6 राउंड वाली रिवॉल्वर की। देसी भाषा में हम कहें तो यूपी में कहते हैं तमंचा। और आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये राउंड वाला तमंचा आया कहाँ से और इसे किसने बनाया। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, बस आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, रिवॉल्वर का इतिहास खोजते हुए पीछे जाएं तो एक आदमी पकड़ में आता जिसका नाम है सैमुअल कोल्ट, जो कि अमेरिका में रिवॉल्वर का सबसे बड़ा सौदागर था। हालांकि कोल्ट ने कभी भी रिवॉल्वर का आविष्कार करने का दावा नहीं किया, लेकिन उसने रिवॉल्वर में छोटा सा घूमने वाला सिलेंडर जोड़ा था जिसमें गोली भरी जाती थी और बार बार गोली लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस तरह के रिवॉल्वर को कोल्ट रिवॉल्वर कहा जाता था। तकरीबन 1836 में पहली बार उसने इस तरह की रिवॉल्वर का पेटेंट करवाया। कोल्ट ने कहा था कि रिवॉल्वर में ये सिलेंडर लगाने का आइडिया उसे समुद्र में आया था। पर ये आइडिया आया कैसे, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। 1836 से पहले 16वीं सदी में जर्मनी की रिवॉल्वर वजूद में थी, जिसमें एक ही बैरल होता था और एक समय में एक ही फायर किया जा सकता था। दोबारा चलाने के लिए उसे बार बार लोड करना होता था। कोल्ट ने जब नई रिवॉल्वर का आविष्कार किया तो उसकी रिवॉल्वर जो थी वो चारों तरफ धूम मचा दी उसने, और पसंद करने वालों के बीच खूब बिकने लग गई, जिससे कोल्ट ने ढेर सारा पैसा कमाया। फिर उसने अमेरिकी सिविल वॉर के दौरान यूएसए के नागरिकों को अपनी रिवॉल्वर बेचनी शुरू कर दी, और जिसकी वजह से उस पर दलाल और घुसपैठिया होने का आरोप लगाया गया। दोस्तों, चलिए अब थोड़ा सा सैमुअल कोल्ट के जीवन के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उन्होंने ये बंदूक बनाई कैसे थी। दोस्तों, आपको बता दें कि सैमुअल 11 साल की उम्र में पढ़ाई के साथ एक किसान के यहाँ पार्ट टाइम काम करता था, क्योंकि वो बहुत ही गरीब परिवार से था। 15 साल की उम्र में उसने अपने पिता के टेक्सटाइल के कामों में भी हाथ बटाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ उसे वैज्ञानिक खोजों के बारे में पढ़ने काफी शौक था, जिस वजह से इसी दौरान कोल्ट ने बहुत से छोटे मोटे प्रयोग करने भी शुरू कर दिए। फिर 1830 में एक दिन की बात है, वो एक समुद्री यात्रा पर जा रहा था। अचानक वो जहाज के व्हील सिस्टम को देखकर काफी खुश हो गया और उससे काफी प्रभावित भी हो गया। उसने देखा कि रस्सियों के सहारे एक पहिए से जहाज को कंट्रोल किया जाता था। उसने सोचा इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल बंदूक बनाने के लिए किया जा सकता है। इसी यात्रा के दौरान उसने लकड़ी का एक रिवॉल्वर मॉडल बनाया। उसने सोचा कि लौटकर एक असली गन बनाई जा सकती है। शुरू में उसने इस आइडिया का इस्तेमाल करके एक गन बनाई थी जो कामयाब ना हो सकी, क्योंकि यह हाथ में ही फट जाती थी। और इसके बाद उसने कई जुगाड़ लगाए पर कोई भी प्रयोग सफल नहीं हुआ। इसके बाद उसे अपने प्रयोग के लिए पैसे नहीं मिलते थे, इसलिए वो नॉर्थ अमेरिका चला गया और डॉक्टर काउल्ट के नाम से रहने लग गया। यहाँ वो अपना खर्चा पानी चलाने लगा और प्रयोग के लिए जैसे तैसे पैसे जुटाने के लिए लाफिंग गैस का डेमो दिखाने लग गया था। कुछ पैसे हाथ में आए तो उसने एक लोहार जॉन पैटरसन से दोस्ती कर ली। उसने पैटरसन को अपने आइडिया के बारे में बताया और उसके साथ मिलकर नए प्रयोग करने शुरू कर दिए। वो घूमने वाले सिलेंडर के साथ ऐसी गन बनाना चाहता था जिसे चलाने के लिए बार बार लोड ना करना पड़े और इससे कई राउंड फायर हो सके। आखिरकार काफी मेहनत और मशक्कत के बाद दोनों ने ऐसी रिवॉल्वर बना भी ली जिसे चलाने के लिए बार बार लोड नहीं करना पड़ता था। बाद में कोल्ट को इसे पेटेंट करवाने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। उसने अमेरिका में इसके पेटेंट के लिए अप्लाई किया, लेकिन उससे कहा गया कि उसे ब्रिटेन से एक फॉरेन पेटेंट करवाना होगा। फिर साल 1835 में वो इंग्लैंड गया और वहां जाकर पेटेंट के लिए अप्लाई किया। शुरू में ब्रिटिश के अफसर आनाकानी कर रहे थे, लेकिन इस गन में कोई खामी नहीं थी और अपने आप में एक मौलिक खोज थी, इसलिए ब्रिटेन में उसे फॉरेन पेटेंट मिल गया। जिसके बाद अमेरिका लौटकर उसने फिर से पेटेंट के लिए अप्लाई किया और इस बार उसे अपनी रिवॉल्विंग गन के लिए पेटेंट मिल भी गया, जिसके बाद इस गन को कोल्ट और उसके दोस्त पैटरसन के नाम से कोल्ट पैटरसन नाम दे दिया गया। फिर 1836 में ही उसने इस रिवॉल्वर को बनाने और बेचने के लिए एक बिजनेस मॉडल तैयार किया और इस गन को बनाने की एक कंपनी खोली, लेकिन शुरू में उसे कोई खरीदार नहीं मिलता था। उसने अपनी गन की मार्केटिंग करनी शुरू की, लेकिन फिर भी उसकी गन नहीं बिकती थी और धीरे धीरे उस पर कर्ज बढ़ता चला गया। आखिर सन 1843 में उसकी कंपनी बंद हो गई। फिर कुछ समय तक उसका बंदूक का काम भी बंद रहा और फिर तकरीबन 1846 में मैक्सिको अमेरिका के बीच सिविल वॉर शुरू हो गया। और ये सारी दुनिया जानती है कि युद्ध हथियार बेचने वालों के लिए सबसे सुनहरे मौके होते हैं, और फिर कोल्ट ने भी मौके का फायदा उठाया। टेक्सास के कैप्टन सैमुअल वॉकर को कोल्ट की ये गन काफी पसंद आई और उन्होंने कोल्ट को 1000 रिवॉल्वर का ऑर्डर दे दिया।
फिर इसके बाद उसे ऑर्डर पर ऑर्डर मिलते चले गए और फिर अपने व्यापार को बढ़ता देखकर उसने एली विटनी ब्लेक नाम के एक आदमी के साथ पार्टनरशिप की ताकि अच्छी क्वालिटी के रिवॉल्वर के साथ साथ पिस्टल और राइफल्स भी बेची जा सकें। आपको बता दें कि कोल्ट के पहले 1000 रिवॉल्वर के ऑर्डर को कोल्ट वॉकर कहा जाता था। इसके बाद कोल्ट को फिर से 1000 रिवॉल्वर का ऑर्डर मिला और फिर ऑर्डर पर ऑर्डर मिलते चले गए। फिर जब पैसों की भरमार हुई तो उसने अपनी एक कंपनी भी खोली जिसका नाम था कोल्ट्स पेटेंट फाइव आर्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हालांकि अब इसे कोल्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहा जाता है। आपको बता दूं ये समय उसके सबसे सुनहरे दौर में से एक था क्योंकि इसने इस समय और इसके बाद में लाखों पिस्टल रिवॉल्वर और राइफल्स बनाए तथा बेचे भी। और आपको बता दूं कि ये अब भी कंपनी बंदूक बनाने का काम कर रही है। माना जाता है कि अपने शुरुआती 25 सालों में कोल्ट की कंपनी ने 400,000 रिवॉल्वर बनाए। राजाओं अधिकारियों को गिफ्ट करने के लिए वो अलग से स्पेशल रिवॉल्वर बनाता था जिन पर उनके हिसाब से कारीगरी भी की जाती थी। अपनी मार्केटिंग करवाने के लिए उसने अखबारों के संपादकों को पैसे खिलाए और उसका काम ना रुके इसके लिए अधिकारियों को जमकर घूस दी। हथियारों की मार्केटिंग के लिए तरह तरह के स्टंट वो अपनाता था। उसने लंदन में जब हथियारों की दुकान खोली तो वहां पर बोर्ड लगाया कॉलोनियल कोल्ट्स पिस्टल फैक्ट्री। उस समय ब्रिटिश अखबारों में ये खबर हेडलाइन में आ जाती थी। फिर तकरीबन 1856 को उसने एलिजाबेथ जार्विस से शादी की और इस शादी में इन्हीं रिवॉल्वर और राइफल से खूब जमकर फायरिंग भी की गई। हालांकि एलिजाबेथ से शादी से पहले उसने एक और शादी की थी कैरोलिन हेंशा से। इस शादी से उसको एक बेटा भी था। दोस्तों कहीं ना कहीं कोल्ट ने लोगों के हाथ में मौत का खिलौना थमा दिया था। शुरुआती समय में उसे इस बात का घमंड भी हुआ करता था और कहता था मैंने सुना है कि भगवान ने लोगों को बनाया लेकिन सैमुअल कोल्ट ने लोगों को बराबर बनाया। दोस्तों बाद में कोल्ट अपने काम की वजह से डिप्रेशन में चला गया क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता था कि उसकी खोज से कई निर्दोष लोगों की जान चली गई है जिस वजह से इतनी मौतों की जिम्मेदार रिवॉल्वर बाद में उसे खुद भी नहीं सुहाती थी। वह अपराध बोध से भर गया। उसे कई तरह की बीमारियां हो गई। बाद में 1862 में 47 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। जब उसकी मौत हुई तब वो अमेरिका के कुछ सबसे अमीर लोगों में से एक था। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं कोल्ट आज भी इस बात के लिए बदनाम है कि उसने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच सिविल वॉर का फायदा उठाया और दोनों को अपनी गन बेची। 4 जनवरी 1847 को उसने पहली बार यूएसए को अपनी रिवॉल्वर बेची। बाद में जब यूएसए को पता चला कि वो साउथ अमेरिका को भी हथियार बेच रहा है तो न्यूयॉर्क टाइम्स और न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून ने उसे घुसपैठिया और दलाल तक लिख दिया। तो दोस्तों ये थी कहानी रिवॉल्वर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।